या के एंड में अपना क्रेडिट लेने के लिए ये सब कर रही है। आप लोग बोलोगे तंदूर वंदूर है जो मुंह उठा के तंदूरी चिकन बना रहा है। अभी हम लोगों ने इसका रिचार्ज किया है फोन का $20 का, कितना जीबी मिल रहा है। वीवीआईपी लेना था वो मिला नहीं भाई। वो देखो चप्पलें टांगी हुई है दुकान के बाहर, किसी ने टोटका करना है यहाँ पे। ज्यादा छोटा पड़ गया गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हाउ कैन चैनल दिस शो द चार्ज। वी हैव मिस्टर नोनू हियर। हवा चल रही है और अभी हमने सिम कार्ड खरीदने के लिए आए हैं, ठीक है, यहाँ पे। और सबसे बेस्ट सिम कार्ड स्टूडेंट के लिए कौन सी है बताऊंगा थोड़ी देर में। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, चुभने वाली गर्मी लग रही है ना। ये तो इंडिया से आया भी सर्दियों से, इसको अलग ही, इसको तो बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ रही है एक साथ, जेट लैग, टेम्परेचर। तो यहाँ पर आए हैं हम लोग, फोन वगैरह भी सब कुछ मिलते हैं ऑफिस वर्क्स के अंदर, या आईपैड हो गया। हमको सिम लेनी है और भाई यहाँ पे देखो सेल कितने महंगे मिलते हैं। ये अगर हमको सिर्फ दो सेल लेने हैं डबल ए वाले, $17 के हैं भाई। तो भाई हम लोग को यहीं से ले लें, मतलब इंडिया से लेकर आओ सेल लेने हैं तो। और ये लगी सिम कार्ड $300 क्यों लिखा है, $30 लिखा है, गलत लिखा हुआ इन्होंने। एम्प्लॉय थोड़ा नशे करके आया था इसलिए इधर उधर लगा दी उसने। तो ये भी है $30 प्रीपेड प्लान, ये भी पीछे वाले $300 वाले। ओ हाँ, तो कोई नहीं, सॉरी एम्प्लॉय, आप ठीक हो बिल्कुल। तो यहाँ पे सारे पेन वगैरह भी लगे रहते हैं। पेन के प्राइस देखो भाई कितने के हैं। तो ये तो वो क्लच पेंसिल लग रही है मेरे को $13 की भाई, क्या इतना महंगा है। फिर उसके बाद ये भी क्लच पेंसिल है $10 की, और नॉर्मल पेंसिल चार भाई। इंडिया से बिजनेस नहीं कर सकते उन्होंने, है ना। नटराज की यहाँ पे ले आए हम सारी पेंसिलें, ये देखो पूरी नंगी पेंसिल है, इसमें ड्रॉइंग भी नहीं, कुछ भी नहीं बना रखा, और ये है $4 की। व्हाट द हेल मैन। तो स्टेशनरी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। शार्क टैंक का मस्त आइडिया है, किसी को यूज करना था। ये देखो भाई बड़े महंगे पेन है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलिया में मेट मेट बोल बोल के पेपर मेट दुकान खोल दी $14 की। और ये अमिताभ बच्चन का भी ब्रांड है इधर, पार्कर वाला, इसके प्राइसेस नहीं लिखे हुए कहीं पे भी। $99 भाई, ₹5,000 का पेन का सेट है भाई, क्या हो रहा भाई। और ये पूरा कलरिंग वाला, ये $15 के 50 पेन है, 25 पेन है, $15 के 25 है ये, और ये अमिताभ बच्चन वाले महंगे हैं। तभी तो अमिताभ बच्चन के गुलाब के पैसे पूरे होंगे इतना महंगा महंगा बेच। फिर उसके बाद ये फोम बोर्ड क्या होता है ये भाई, वो इसको क्या बोलते थे, पंच मशीन। ये $54 की भाई, इतनी महंगी बिजनेस आइडिया। पंच मशीन मार्बल की बना दी भाई, ये दो पंच मारने तो ये ले लो $4 का, ये क्यों लेना। तो भाई ये माने के लिए ये भी लेना था हमको कैलकुलेटर, ये भी ठीक है, ये खुले बड़े में, ये करोल भाग से मार के लाए सारे भाई। ये लग रही है यहाँ पे $198 की गेमिंग चेयर, और भी लगा हुआ है सारा सामान। और भाई मेरी वाली जैसी डेस्क है ये पूरी, इसमें लाइट भी लगी हुई है, इधर कोने में लगी है बस इसके लाइट, मेरे पूरी टेबल के अंदर लाइट लगी हुई है। तो 32 GB की भाई ये सारी तीनों मिल रही है $30 की, देख लो। तो भाई बहुत टाइम बाद टोपी पहने, तो ऑफिस वर्क में काफी सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है, जो जो आप लोगों को लेनी है। टोपी सूट भी नहीं करती अपने को, बेकार लग रहा हूँ। और मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाती है। इतनी तगड़ी धूप है ना भाई, आज सारा टेन 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 हो जाऊंगा मैं। तो ऑफिस वर्क में बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है, बट मेन चीज ऑफिस वर्क में लोग आते हैं प्रिंट आउट के लिए। तो मेरे को तीन पेज मिल गए 60 सेंट्स के, एक पेज 20 सेंट का है। और हमने कैलकुलेटर ले लिया और सिम ले ली, घर जाके सिम एक्टिवेट करके दिखाते हैं आपको कि कैसी सिम है। हमने $2 के लिए वहाँ पे 300 की भी दी, देखते हैं घर जाके। भाई टेम्परेचर देखो 42 डिग्रीज हो रखा है, इतना टेम्परेचर मैंने नहीं देखा भाई जब से नोनू आया ना, हॉटनेस बढ़ गई है मेलबर्न में। बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, अल्ट्रा गर्मी है, तो चुभन वाली गर्मी है, बाहर भी नहीं ऐसे खड़े भी नहीं हो सकते आप लोग, लिटरली एक मिनट के लिए खड़े हो गए ना सिर दर्द होने लग जाएगा, इतनी तेज गर्मी है भाई। वो देखो चप्पलें टांगी हुई है दुकान के बाहर, किसी ने टोटका करना है यहाँ पे, पता नहीं ये वो है जैसे वो नहीं होते वो, पता नहीं, चलो छोड़ा नहीं समझ आएगा। तो भाई फाइनली हम लोगों ने सिम कार्ड इसमें एक्टिवेट कर दी, और अभी आपका भाई भी सिम कार्ड डाल रहा था, नंबर आ गया भाई का नया। वीवीआईपी लेना था वो मिला नहीं, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। तो भाई अरे इधर आजा ना साइड, वो आप तो अल्ट्रा वाइड है हमारा एंगल, कोई टेंशन नहीं। तो भाई हम फाइनली सिम कार्ड ले आए थे, ठीक है ये, और वहाँ पे ना दो तीन दिन $200 की नहीं $2 की और $300 की। तो $2 की लाइन ने सिम वगैरह एक्टिवेट कर दी मस्त। और क्या क्या प्लान्स है मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो दिस इज द चीपेस्ट सिम यू कैन गेट। और हाँ इसकी सर्विसेज बहुत चाहिए, टेलस्ट्रा के अंडर ही आता है शायद से, बूस्ट है जब हम लोग नेटवर्क टेलस्ट्रा लिखा रहे ना। हाँ तो इसके जो प्लान होते हैं वो $10 का 45 GB है, ठीक है, आप लोग ऐसे दिखा दूँ, नॉन स्पॉन्सर्ड है, बूस्ट वाले स्पॉन्सर करते तो मजा ही आ जाए। और $200 का साल का है, $200 का साल का है, 140 GB का। तो अगर आप $200 $17 महीने का पड़ता है, जो मेरा प्लान है टेलस्ट्रा का, मैं तो फोन भी टेलस्ट्रा से ही ले रखा है, मेरा प्लान आता है करीबन $68, ठीक है, पर मंथ। इसके अंदर में $10 की और इंटरनेशनल पैक लगता है। तो अगर आप लोग किसी ऐसे आपको फोन भी खरीदना है, ठीक है, किसी कंपनी से मतलब इंस्टॉलमेंट पे, और आपको प्लान भी चाहिए, तो आपको प्लान के बिना फोन नहीं मिलेगा, है ना, सही बोला ना मैं, हाँ, तो प्लान के बिना फोन नहीं मिलेगा। तो हम लोग ने क्या किया, फोन अलग लिया और हमने प्लान अलग दिया। अभी हम लोगों ने इसका रिचार्ज किया है फोन का $20 का, कितना जीबी मिल रहा है, 5 GB। हाँ 5 GB मिल रहा है महीने का भाई। अब 5 GB कम है या ज्यादा है, तो भाई घर में वाईफाई होता है, आप यूनिवर्सिटी जाते हैं वहाँ पे वाईफाई
होता है, कभी रेस्टोरेंट में कहीं जा रहे हो हर जगह पे वाईफाई होता है, शॉपिंग सेंटर में वाईफाई होता है, तो आप लोगों को ज्यादा नेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, $20 पर मंथ ठीक है अगर हम लोग हर महीने करते रहेंगे, 240 पड़ेगा साल का, बट अगर हम लोग एक साथ कर देंगे तो 140 GB हम लोगों को मिल जाएगा और ये $17 पर महीने का पड़ेगा, तो ये बेटर ऑप्शन है। तो आप लोग बूस्ट सिम देख सकते हो। और हाँ, अभी क्या करना है, अभी चिकन मैरिनेट करना, ये हटाना है क्रिसमस ट्री, बहुत दिन हो गए। करें, चलो शुरू करें। चलो आता है चिकन मैरिनेट, चिकन मैरिनेट आता है, ऑब्वियसली चलो स्टार्ट करें। तो भाई फाइनली मैंने और नॉर्मल भाई ने मिलकर दोनों ने चिकन मैरिनेट कर दिया। हमने दिखाऊंगा नहीं, जो लोग वेजिटेरियन है ना उनकी फिर शक्ल बन जाती है थोड़ी सी, इसलिए उनके लिए नहीं, बाकी तो भाई सेक्सी से हम लोग तंदूरी चिकन बना रहे हैं। प्लस अभी बारी है पनीर की, तो ये वाला पनीर हम लोग यूज करेंगे शर्मा जी का। यहाँ पे पूरा पनीर का पीस आता है, मेरे को याद नहीं हम लोगों ने कितने का लिया था, बट ये एक्सपायरी 22 तारीख की हो रही है और ये है 250 ग्राम पनीर। ठीक है, हमारा पनीर कट चुका है छोटा छोटा सा, अभी सारा जाएगा इसके अंदर, इसमें हो जाएगा ना मैरिनेट इसके अंदर, नहीं तो जाएगा हो जाएगा। बहुत छोटा सा बोल पड़ गया हमारा ये चिकन का, तो हमने बड़ा उसको राजा वाले की तरह रखा है, उसको ये छोटा रह गया भाई, ज्यादा छोटा पड़ गया गाइस, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें कर दूं, ये धो देता हूं ये वाला बर्तन, तो ये सबसे पहले इसके अंदर जाएगी। ओए मसाले और कुछ नहीं डालना पहले इसके अंदर? नहीं, दही तो डालो, एक चम्मच, दो तीन जाएगी और डालो, और दही थोड़ी खा रहे हैं। अरे और डालो ना, तो मैरिनेट करना है इसको। बस 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 बहुत है, धनिया हल्दी लाल मिर्च, ये हमारे मसालों को कॉर्नर है फ्रेंड्स, डाल देना। ये चिकन का है, ये धनिया है, पता नहीं जो भी है मैं सारे डाल देता हूँ, मस्त बनेगा खा के। सारे डाल देता हूँ, जो भी किचन में रखे है ना मसाले कोई भी यूज कर लो, थोड़ी सी। ये भाई स्पेशल इंडिया से मसाले आए हैं, उन्होंने बॉयल किया हमारा, इसको कैसे खोलें? वही नोनो हमारा बड़ा अच्छा शेफ है, ये अभी पता लगा मेरे को, अभी तक बनाया नहीं इसने हमारे लिए कुछ, बस बना रहा धीरे धीरे ट्राई कर रहा है। ये सारे फ्रिज में रहते हैं भाई, बहुत ज्यादा ठंडा है तो। और यहाँ का ना ऑस्ट्रेलिया का पनीर ना बहुत टाइट है, इंडिया जैसा नहीं है सॉफ्ट सॉफ्ट। वही जितनी देर वो मैरिनेट हो रहा है मैं ब्लॉग डाल देता हूँ, इधर एडिटिंग कर रहा था मैं सोफे पे, तो इससे ब्लॉग अपलोड हो जाएगा अभी। ये भाई उन्होंने ऑयल के अंदर मिर्च डाल दी, मैंने यूजुअली सारा कुछ एक साथ ही मैरिनेट कर देता हूँ, दही वगैरह सब कुछ एक साथ, दही में नींबू भी डाल देता हूँ, फट जाता है चिकन, कोई टेंशन नहीं है पेट में ही जाना हमने। बट ये भाई के अलग मैरिनेशन है, वहाँ पे हम लोगों को चिकन रखा हुआ, जो वेजिटेरियन है वो नहीं देखो, मान रखा कुछ भी मत देखना कोई नहीं, वो सारा हमने ये वेजिस काट ली साइड में और वो पनीर अलग से मैरिनेट हो गया। आप लोग बोलो कि तंदूर वंदूर है जो मुंह उठा के तंदूरी चिकन बना रहे हो? हाँ जी, ये अवन में बनाएंगे हम, इसमें ये अवन चलता ना हमारा, चल रहा तो इसमें बनाएंगे, लाइट नहीं चल रही ना, चल ही नहीं रहा, चलो बाद में देखते हैं, अगर ज्यादा होगी तो थोड़ी सी खा ले कोई नहीं, कच्ची ला लेंगे। ये क्या कर रहा भाई, फुल प्रोफेशनल है, ऐसे करके डालते हैं, अब इसके फ्लेवर जो रिलीज होंगे। वी वर लिविंग इन अ रॉन्ग वर्ल्ड, हम लोग ऐसे ही बनाते थे भाई, ये तो खतरनाक लेवल से मैरिनेट कर रहा है, इंटर्नशिप तो नहीं करी किसी कहीं पर रेस्टोरेंट में। तो ये फाइनली हम लोगों ने पनीर मैरिनेट कर दिया, मशरूम कर दिया और चिकन कर दिया। चिकन का कलर कितना ज्यादा सेक्सी आ रहा है, चिकन बिल्कुल ऑर्गेजमिक लग रहा है, ये ऐसे ही लग रहा है ठीक है, बट खाने में पता लगेगा है ना। क्या मिर्च लग रही है? नहीं, बेटा काम कैसा था, हाउ वाज वर्क? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस भाई। सारा ये हमने सोचा था एक ही बारी में सबको लेन में लगा देंगे, बट अभी अलग अलग करके कुक होएगा। इस पे बटर वैसे कर सकते हैं भाई, मैंने एक बार पिज्जा बना रहा था तो मेरे से सारा उल्टा यहीं गिर गया था, पूरा पिज्जा पलट गया था, नहीं हटा, नहीं हटाया नहीं ना कभी। तो भाई फाइनली मशरूम के, ओए इसको दूर दूर करो, ये दोनों चेप हो जाते हैं एक दूसरे के, दूर दूर करो। गया के एंड में अपना क्रेडिट लेने के लिए ये सब कर रही है ना नोनो, हमने इतनी मेहनत करी, अब हमारे पास पनीर कुमार जाएगा इसके अंदर, वेरी नाइस। ओ वाओ, पनीर ऑर्गेजमिक लग रहा है, ये ग्रेवी भी तो डालो। नोनो फोटो तो खींच, मेरे को तो भेजनी है, मम्मी को तुझे नहीं भेजनी। भाई हम लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ पे घर पे खाना बना के, यहाँ पे मतलब खाना बना के हम लोग घर पे फोटो भेजते हैं, मैं भी रोज भेजता हूँ रोज मम्मी को। नोनो तो ऐसे करना चाहिए, स्टूडेंट अगर घर पे खाना बनाते ना घर पे फोटो भेजनी चाहिए, हाँ ऐसे गर्लफ्रेंड को नहीं बेटा घर पे। तो भाई देखो अब हम इसको अवन में डाल रहे हैं, हमारे पास तंदूर तो है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तंदूर आते हैं पर वो घरों में रखते हैं ना लोग, यहाँ पे नहीं रख सकते अपार्टमेंट में, 200 डिग्री वो देख टावल अंदर, ऐसे नहीं होता टी शर्ट अंदर रह जाती है, तो 200 डिग्री पे 10 मिनट रखा है इसको, देखते हैं कैसा लगता है, उसके बाद आपको अपडेट देंगे, आपको 10 मिनट वेट करने की जरूरत नहीं है ना, 1 सेकंड। भाई भी देख रहे हैं ये हो रहा है, थोड़ी सी जलने की स्मेल आई पर कोई नहीं, हेटर्स थे आसपास के, कोई बात नहीं। ये तो पनीर हो गया, थोड़ा और 5 मिनट ऐसे देखते रहेंगे ना तो हो ही जाएगा। भाई मुंह पे ना गरम गरम भपका आ रहा है भैया, थोड़े से पास से अगर हम लोग देखेंगे तो हल्का सा मतलब जला हुआ सा लग रहा है, बट जला नहीं, नहीं ऐसी होता है, कुक्ड है पर नीचे से चिपक गए भाई, नहीं हट नहीं चिपके, अरे नहीं चिपके, अरे नहीं नहीं चिपके, सही है ये भाई, फाइनली चिकन बन के तैयार हो गया और कितना सेक्सी लग रहा है, थैंक्स टू दिस गाय वानी बेटा। तो भाई हम लोग ने ऐसे रैप बना लिए इसके, कैसे लग रहा है वानी? वेरी नाइस नोनो बॉय। तो भाई बनाया नोनो ने
और क्रेडिट वहाँ नहीं लेगी। एंड में जो ऐसे कर देते ना चीज थोड़ी सी, जैसे कोई कैसे बताएं, कोई रोड वगैरह बनती है तो जो नई वो आती है पार्टी उसके नाम हो जाती है ना।